हदीस में क्या कह रहे हैं, whoever sends me one blessing, okay, whoever sends a blessing upon me, Allah will send 10 blessings upon him. This is a hadith in Muslim. So, जो मेरे पे एक दफा सलात सलाम भेजता है, अल्लाह उसको 10 गुना उस पर वापस भेजेगा. This is Allah send. This is जैसे ये नेकियों की बात नहीं हो रही. This is Allah sending blessings upon you. Imagine कितना फायदा सिर्फ तुम्हें और मुझे पर्सनली अपनी जात के एतबार से. एंड हमें समझ लगे कि बस ये कोई विर्द है जो बस हमने उसको ना बड़ा ट्रिवियल सा जिक्र बना लिया कि बस दूसरी पढ़ लिया करने के लिए, नमाज में पढ़ लेंगे. मैंने बयान किसी को मैं 3 दफ़ा पढ़ा, किसी को समझ भी नहीं आई, परवाह भी नहीं. हदीस में देखो क्या फ़ज़ाइल. अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कह रहे हैं कि नबी सल्लम क्या फरमाया, द क्लोजेस्ट टू मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी दैट पर्सन हु इनवोक्स ब्लेसिंग्स अपॉन मी मोस्ट अबंडेंटली. सबसे करीब मेरे पास उस दिन कौन होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा. कोई सहाबी का वाक्य आ रहा है जो आपसे सुन के कह रहे हैं कि मैं 1/3 टाइम शायद अपना जो है इसमें लगाता हूँ, तो इज दैट सफिशिएंट? आप सुनने का नहीं, और बढ़ाओ. बढ़ाते गए इवेंचुअली उनका जी मैं सारा जो वक्त है आपसे लगाऊँ, तो आपने कहा कि हाँ दिस इज फाइन. इतनी अहमियत है इसकी कि देखो ये एक वाहिद अमल है. हमें जितने अमाल कहे गए ना इबादत के परस्पेक्टिव से, राइट, इस्तगफार है, नमाज है, सब कुछ है, कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह करता है? और एक अमल है जिसके बारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं, इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा. कि अल्लाह और उनके मलाइका मिलकर अपने नबी पे क्या कह रहे हैं, दुरूद भेज रहे हैं, और फिर हुक्म दिया कि तुम भी ये करो. एंड वी थिंक ये बस एनी चीज है, मतलब ये दिस इज समथिंग, इट्स अ नफली थिंग. Believe in the power of the Durood Sharif.